इस संगीत कला पार्टी के प्रांगण में आए हुए सभी दर्शक बंधुओं का, माताओं एवं बहनों का, हमारी पार्टी के हर कलाकार की ओर से नमस्ते एवं स्वागत है। आवश्यक सूचना है कि आप सब खेल का नाम सुन रहे। आज की रात कंपनी का बेहतरीन मनोरंजन प्रोग्राम मार धाड़ लड़ाई नाच गाने व हंसी मजाक से भरपूर कहानी प्रस्तुत करने जा रही न्यू आदर्श संगठन समिति शाहीपुर बुझवा मालिक श्रीराम फकीरे ग्राम प्रधान बुझवा पोस्ट साहबगंज थाना कोतवाली लालगंज जनपद प्रतापगढ़ के इस रंगमंच पर कंपनी का शानदार शो, शानदार प्रदर्शन आप लोगों के मनोरंजन हेतु पेश किया जा रहा है। रायबरेली सुल्तानपुर प्रतापगढ़ आदि जिले के अनुभवी कलाकारों द्वारा आपको यह खेल दिखाया जाएगा। हाँ तो लीजिए साहब, देखिए आज का शानदार ड्रामा। आखिरी दुल्हन उर्फ इंस्पेक्टर की बेटी तथा डाकू राम सिंह। बोले शंकर भगवान की। आप लोग मालूम हो कि मैं किस रोल में आया हूं। मेरी मां मुझे दिन में रात ही, मेरी मां मुझे रात में पैदा किया है। जो बच्चा रात में पैदा होता है वो शैतान होता है। और मेरी मां, मैंने नाम रखा है शैतान उर्फ ठाकुर चंदन सिंह, जिला बिजनौर, ग्राम बीरमपुर मेरी रियासत में। मैं वहां का जमींदार हूं। मेरा नाम ठाकुर शैतान चंदन सिंह। श्री राम इधर आओ। जय शंकर बाबू साहब। जय शंकर। तुम्हें मालूम होना चाहिए सरकार कि मेरी माँ मुझे रात में पैदा किया है। जो बच्चा रात में पैदा होता है वो शैतान होता है। तो मेरी माँ ने कहा कि शैतान उर्फ ठाकुर चंदन सिंह। क्या बाबू साहेब बोलो के बताए साहब की रात की पैदा भाई ने। मेरी माँ हम सुने भोर हरियम भाया। चुप भी और सुन लो सरकार। तुम्हें मालूम होना चाहिए क्या बाबू साहब कि जब से बीबी मरी जी मैं अकेला रहा। बिल्कुल तन्हा। दूसरी बीवी उसे बनाऊंगा। किसे? जो कुंवारी कन्या होगी। बिल्कुल
जी। और तुम्हें प्रतिदिन ये कुआरी कन्या ढूंढ कर लाना होगा। बहुत अच्छा शिकार। और मेरे साथ तुम शिकार खेलने चलोगे। कहाँ पर सरकार? जंगल में शेर का शिकार। जंगल में चलना है। बहुत अच्छा सरकार। शेर का शिकार करता है। शेर का। और मेरा घोड़ा सजाओ। बहुत अच्छा सरकार। मेरी रिवॉल्वर ले लो। बहुत अच्छा। और रंग की पाटली ले लो। मोड़ बन जाने के बाद हम सोचेंगे कि मुझे करना क्या है। क्या करना है? ये रहा शैतान उर्फ ठाकुर चंदन सिंह। आओ मेरे साथ। चलिए। हम तो आए दर्शन नहीं पावा। तू तो हमारे दुआरे छोड़ दिया बेटवा। का करी काकी? जुग जबाना बदल गया। कैसे भैया? अब अही कहा बाटे काकी, मने के मुहे में धक्का नहीं रही जवा गगरी कुछ दिन बिल्कुल धक्का ना है काकी। अब अही तोहरे यहाँ रोज रोज आई जाई। हाँ बेटवा। तोहरे लगे संझा सुबह सवेरे उठी बैठी। हाँ भैया। चार मने देखते कहीं राम बलिवा का बुढ़ीवा घेरे रहा। अरे राम राम, कहीं तो बड़ा पागल है रे। गांव को मने ये समझिए बेटवा। हाँ काकी। किए कर काकी माई लागत हुई है। जैसे काकी लागा वैसे मायू लागा। हे बेटवा। काकी। जब से हमारे पुरखा गुजर गए। काका। हाँ बेटवा, खाए पिए की बड़ी तकलीफ है। तो देखा तही मावा कौनू जतन हम मजूरी धतूरी कई के हाँ।
जूठी लड़का जी आव छई बच्चा का करबू काकी तोहार समय आ हे भैया हाँ। आज साल भरे के दिन बीत जावा हाँ। हमका बहुत तकलीफ रहा छ बिटवा का भा काकी एक तो हमारे बहुत सांस फूल छ बिटवा हाँ। दूसरे करेजे में मीठी मीठी पीरा रहा छ हाँ हाँ। कभौ कभौ गोसैया गाड़ी इतना जोर हो जात है हाँ? कि जैसे हमारे प्राण निकल जाये बेटा दवाई ना केहू कुछ दवाई तो बेटवा हम घर खुदवा बहुत खर्च बाटी हाँ हाँ। बोला कौनो काट नहीं करत बेटवा आराम नहीं होता है नहीं भैया एक दवाई बताई वह खाए आराम हो जाए कवन दवाई बेटवा तू पिया नीमी का बलका अरे हे बेटवा नीमी का बलका नीमी पर का गुरची नीमी के अतर छाली हाँ। रूसे का पियरई पाती लसोड़ा का पाती भटकटैया तुलसी का पाती हाँ। हम सब हेर ढूंढ के लिए आवा बिटवा अच्छा अच्छा ओका बाल के एक पतीली में कढ़ा बना के 10-15 दिना पिए बचाऊ अच्छा कौनो काट नहीं कर बिटवा आराम नहीं भवा नहीं भैया तोहा बीमारी दिनार हो गया है काकी हमका जना थी हमारे साछन जाई ते का बिटवा नहीं नहीं बीमारी तोहा गठी आ गई बा हाँ भैया एक दवाई और बताई हुए खाए आराम हो जाए कमन दवाई बिटवा तू खा कैप्सूल का वा कैप्सूल रे कैप्सूल ना कैप्सूल हमसे नाम नहीं आवत बिटवा कहाँ मिला था बच्चा इतना बड़ बड़ हो डॉक्टर खिया मिला था का भैया हाँ? हमारे गाँव में केहू डॉक्टर नहीं ना बच्चा डॉक्टर हाँ तो है गांव में केहू डॉक्टर हो बिटवा एक खुराक दवाइया लिया जाए जो उन बतावत है हम तो है बहुत गुण मानव बिटवा कावा डॉक्टर अरे डॉक्टर हाँ तो भाई डॉक्टर ये चल यहाँ डॉक्टर चला ठीक है बुढ़ापा तो का दवाई हम 1 रुपया का ना लाऊ काहे का भैया 6 महीना हो गया हाँ। हमसे 10 रुपया उधार लू लौटाऊ अब तू बिछरा नहीं बिटवा कर्जवा दे बिछरे जाई हो ए बिटवा हाँ? इन्हन बीचे हमारे वह बड़कवा बिटवा जो राम है ना राम भैया वही दहिना हाथ भा है बिटवा ओए कमाता ये कढ़ैया कमाई के लिया वठी तो 3 मनई का भोजन हो छ बच्चा तो देखा तही मावा आ जो लहुरवा बिटवा मोहन है ना मोहन भैया हाँ वो रोज स्कूल पढ़ाई जाती रोज जाती नहीं बिटवा इतवार इतवार छुट्टी रहा थी हम कहे तो अरवा को जाती हे बिटवा काकी चला जाती राम को बुला लिया क्या हाँ। कह जा तोरी माई के तकलीफ भी है चला आवे कहाँ 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 प्रधान खिया चैला चीरे बिटवा अच्छा कहाँ पास संत प्रधान खिया हाँ भैया ठीक है बैठा हम राम भैया के लिए क्या आवत थी काकी जा बिटवा काकी रे कहाँ रे भैया के लगे हम के राम भैया तोहरे माई बहुत तकलीफ है चला बोलावत यहाँ तो भैया प्रधान भैया चैला चीरत रहे काकी कहन चला भैया कुल्हरा है के हम आउते यही आउते हुई है माई अच्छा खुशी रहा बिटवा भगवान करे दोनों भाई के जोड़ी बनी रहा है देखा बिटवा जब काम काज से छुट्टी मिल जाए तो जल्दी चला आ करे बिटवा केहू के दुआरे बैठ के बतला जी लगा करे बच्चा माई हमार समय नहीं केहू दरवाजे पर बैठ के बतलाई का ई तोसी के कहा कि राम केहू दरवाजे पर बैठ के बतला थी हमसे के कही बिटवा हम ऐसे अपने जियरा में सोचत रही थी बच्चा माई अगर मैं इतना दिन में बैठ के केहू दुआरे बोला बतला दिन बीते देव तो कैसे का कमावे माई फिर कैसे तुहार सेवा कर पाऊ कैसे एक छोटे भाई है उनका पढ़ाई लिखाई पाऊ हाँ बिटवा तू तो खुद ही समझदार है बच्चा माई का आज प्रधान जी खिया भगवान के कथा रही अच्छा और पूरे गांव समाज वाले का निमंत्रण दे रहे हैं हाँ उही में ग्रह माई लकड़ी चीरे के बुलाए रहे हैं और कहन की राम अगर जाता है तो अपने माई के शाम की भेज दे हमारे यहाँ भोजन कह दी है अच्छा तो हम कहे माई के हमारे दिखात नहीं और रात बिरात कहाँ हो आए पई हैं तो कहें ले जातना आटा और डालडा है दे दे तो हर माई पूरी बने खा लेंगे बड़ी अच्छी बात हे भगवान बाबू साहब का भंडार भरा रहा है जो हम गरीब की इतनी बड़ी दया की हैं और फिर सोचा बिटवा अनहेरिया रात हम कहाँ मेरे डाने गिरे जाप राम बली काकी
ले चला पिसान मिला है ले रो रे। अच्छा अच्छा देखे ही में डल डल हाया लाए ना। का वा डल डल पूरी छा नहीं करे डल डल हो भंचौ। हां बेटुआ चल यहां वा डल डल का भाई डल डल मूलम लगाओ पिसाने खिचड़ी डाऊ हम माई। का बेटुआ मोहन अब स्कूल से नहीं आवा। अबे तो नहीं आवा बेटुआ आज जाते उनके विषय में हमका कुछ हाल मिल जाते माई। आज गा है रिजल्ट सुने रिजल्ट सुनेगा है का जनी काव कहा थिया जे का पास फेल कहा थी माई तो वैसे नहीं कहा था रंगरेजी बू करता कावा रंगरेजी। अरे हमारे समझ में नहीं आवत बेटवा का बताई अंग्रेजी चली यहाँ अंग्रेजी कहा रंगरेजा का बुकले जी। माई बैठ जा देखी अगर आज जहाँ तो आज जा नहीं तो आज तक हम पता लगा जी कहा था कहा। अच्छा बेटुआ तुझेरम बलिबा ने कहा रोज जा जी किट खेले कहा वा किट कहे तो कहाँ रहे रे क्रिकेट। आ गए मोहन भैया आ गए भैया जी। माँ खुशी रहा बेटुआ भैया जी भगवान करे जूनो भाई की जोड़ी बनी सदा खुश रहो मेरे छोटे भाई। माई बैठ जा तू। हाँ बेटुआ क्या हुआ तुम्हारी पढ़ाई में। भैया आपके आशीर्वाद से और माँ के आशीर्वाद से मैं फर्स्ट डिवीजन पास आया हूँ भैया। माई कहा बेटुआ अरे बड़ी खुशी की बात है भैया हमारे पास हो क्या गया माई पास हो गया। हे भगवान हे भगवान गरीबन का तू ही सहारा है मालिक आज हमारे मुन्ना पास में क्या आई गुवा का भका की। अरे पास में ये फट क्लास रे का वा फट क्लास फर्स्ट क्लास। हे बेटवा हमसे नाम नहीं आवत बच्चा। भैया मोहन भैया पास हो जाए हम बहुत खुशी है तो उससे ज्यादा हम खुशी है एक खुशी में जाते घरे पर नरिया खबरा सब लुटा दिए सारे काज। हे भैया नरिया खबरा जी लुटाओ तो फिर छा लेबे एक खुशी में ऐसा नहीं करते क्योंकि घर में लिया जाए झाखड़ दे के आग लगा ले है आठ के हम सुलुक जाए ऐसे। मोहन भैया अब तुम्हारी इच्छा और का है। कहने का मतलब भैया मैं समझा नहीं। हमारे कहे का मतलब रहा कि तो पढ़ाई छोड़ दे बाकी और आगे पढ़ाई चाहते हैं। भैया पढ़ने की तमन्ना तो दिल में बहुत बड़ी है भैया लेकिन आगे पढ़ाई में बहुत ज्यादा खर्च लगेगा घर की स्थिति ऐसी है और आप भी काम करने ना जाए भैया तो घर की रोटी नहीं चलती है। यही सोच रहा हूँ कितना पैसा कहाँ से आएगा भैया कहाँ से पैसा मिलेगा। कहाँ कहाँ सब नाम देखा यहाँ चला चुहा कटहर तोरी। हम तो सिंह भी आए गए कतब खड़ा हो जा क्योंकि लगे दो मिनट बतलाए बोले लगा तो कहाँ गया रे कहाँ करता रे। माई कहा बेटवा मोहन से पूछे भैया तो पास हो गया तुम्हारी इच्छा और का है तो वो का कही बेटवा यानी पढ़ाई छोड़ दे रखी और आगे पढ़ाई चाहता है तो फिर वो का कही। तो मोहन हमका का जवाब देंगे भैया आगे पढ़ाई में बहुत ज्यादा खर्चा पड़े और ये देखत है कि दिन में मजदूरी करते शाम तक तो पेट के रोटी चलती है कैसे पढ़ाई पे। तो ठीक है तो कहा बात बेटवा अब का कर पढ़ाई लिखाई की चिट्ठी भरे के तो बहुत भैया है बेटवा। हाँ तो बाबू जी है पुराने लोग जिसके कारण आज हमारी समाज और हमारे छोटे भाई दबे के दबे रह गए हैं यही खास कारण है कि माता पिता की मजबूरियां बच्चों का जीवन बर्बाद कर गई। जो बच्चे पढ़ना भी चाहते थे माँ बाप उनकी सारी आशाओं को तोड़ दिए। अरे तोहरी अकेलिया में आग ला गए कहा भाभी बेटुआ यह तो कही के दसवा नाश कह दी हूँ चला कहा करिए पढ़ लिख के आन के मजबूरी करे इस पर खुशी है। अरे बेटुआ ये कढ़ैया तू कमाई के लिए उठे हा ये कढ़ैया उहली आई खाए भरे कर तो ऐसे गांजा रही बेटुआ एक हैया ओले एक हैया ओले एक हैया बाबू। हाँ बेटुआ ना खाओ तो कौनो बचने का देला खाई लिया तो का खाएं खाई दिया जवान कोचा से मोटानिया। हाँ वाह कोचा ऐसे रे कैसे कहा तही। अरे माँ सोचो कि दिन भर मजदूरी करता हूँ मेहनत करता हूँ अपना खून पसीने जलाता हूँ फिर भी पेट की रोटी मिलना मुहाल है। चला भैया हमारी चिट्ठी भरे के पहले आन के मजदूरी करें और का करिए। अच्छा चली जाऊ भैया से न बोला न बोला तरी तरी बात बरसी आई जात है तोहार भाई सहुरवा ही है आवा भाई से बुलन चल। हाँ भैया छोटे भाई
अगर तुम्हारी पढ़ने की इच्छा है तो अपना नाम कहाँ पर लिखाओगे? भैया फिर तो मैं अपना एडमिशन बनारस में कराऊंगा। भैया सोचे बाबूजी, गरीब बच्चे भी पढ़ना चाहते थे लेकिन माता पिता की मजबूरियां बच्चों की जिंदगी बर्बाद कर जाती थी। अरे माई, सोचा हमारे भैया बनारस पढ़े जाए। बनारस जाए कहाँ है बनारस? ए बेटू हमसे नाव नहीं आवत बच्चा। अरे शुद्ध नाम वाराणसी है माँ, बनारस कहते हैं लोग उसे। अच्छा। अरे भगवान से प्रार्थना करा कि हमारे भैया पढ़ लिख के अपने हाथ पाप हो जाएं के सहारे को हमरो गरीबी दूर हो जाए महतारी। हे बेटवा, तोरे दूजने के अलावा हमारे दुनिया बाप के बटवे की बेटवा, हम तो भगवान से हाथ जोड़ के रातों दिन प्रार्थना करती रही थे बच्चा। का है प्रार्थना? ऐसे सब बोला छी बेटवा। ले पहले के पढ़ी लिखी सब जनी है ये, आप प्रार्थना तो बोलब कर। माँ मत बोला करो। न बोला बेटवा, न बोला। ठीक है बैठ जाओ मेरे छोटे भाई। भैया अगर पढ़ने की इच्छा है तो जाकर के अपना नाम लिखाओ। जिस तरीके से होगा हम मजदूरी करके मेहनत करके हम तुम्हें पढ़ाएंगे। अगर मेहनत मजदूरी से पढ़ाएंगे, खर्च बर्च नहीं कर पाए तो हम भीख मांग मांग कर पढ़ाऊंगा, लेकिन अपनी तरह तुम्हें मुसीबत उठाते नहीं देखूंगा मेरे भाई। ठीक है भैया, फिर मैं पढ़ाई करूंगा। भैया माई कहा बेटवा? हमारे भैया बनारस पढ़े गए हैं और जो तो का कुछ खर्चा दे रहे है। हाँ बेटवा, वो रुपया भैया के दे दी और बने खिला दी और आशीर्वाद दे दिया। माई हमारे भैया पढ़ लिख के आवे और इनके सहारे पर हमारे जीवन बीत जाए महतारी। अच्छा बेटवा, और एक काम और क्यों कौन, हम जाते ही कौन जरूरत पड़े तो बड़का भैया के भेज के बुलवा ली हूँ। कौन बड़का भैया? का नाम है? का नाम राम बली है। का राम बली? ये बहुत मोटा सा है, हम तो वो नाच नहीं बिटवा। माई तू तीन चार दाई राम बली कहूँ हम समझी ना पाए। हम कहीं राम कली के का कहीं गोहरा मत। राम कली नहीं का बा नार कली कहा नहीं सरोजा बाई कहा। माई का बिटवा जाते ही और नेक होने के किया ही। अच्छा। अगर मजदूरी निकले माई तो हम कैसे तो का एक रोटी खिलाए पाओ, कैसे भाई है इनका पढ़ा लिखाए पाओ। हाँ बेटवा तू तो खुद ही समझा रहा बच्चा। अच्छा जाते हैं माई। जा। माँ बेटा माँ तुम मुझे आशीर्वाद दो माँ, ताकि जहाँ भी हम रहे अपने काम में सदा सफल रहे। माँ दे रही तुझको ये आशीष, मैं जिंदगी में तेरे सुख का भंडार हो, कामना सब ललन तेरी पूरी हो, अब तेरी यश कीर्ति फैले संसार में। जा बिटवा, ये हमारा आशीर्वाद है, भगवान करे तू पास हुई के लौटा बेटवा। जा माँ। बेटा तू कितनी अच्छी है माँ, मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि मेरी जैसी माँ ऊपर वाले सबको दे। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ माँ। मेरे लिए जागी हो तू सारी सारी रतियां, दुखन लागी है माँ तेरी अखियां, मेरे लिए जागी हो तू सारी सारी रतियां, मेरे हंसने पे तेरे रोने पे ये बलहारी है।
बा करेजे में बड़ी जोर की पीड़ा हो कि जैसे हमारे प्राण निकल जाए बटुआ। माँ हरे राम हो। माँ आपकी तबीयत खराब हो गई, लेकिन माँ अपने इस इलाके में डॉक्टर भी नहीं है कि भैया से बताऊं, और भैया आपका इलाज तो कराए माँ। हे बिटुआ अबे तो का कहाँ पड़ी है रे, अबे तो तोर बड़का भाई खुदे बा। नहीं माँ आपकी तबीयत खराब हो गई, आज मैं कॉलेज नहीं जाऊंगा माँ। नहीं बिटुआ तू पढ़ाई जा, तू अपन जिंदगी जी खराब करा। नहीं माँ कहीं आपकी तबीयत और खराब हो गई तो भैया परेशान हो जाएंगे, आज मैं कॉलेज नहीं जाऊंगा। हे बिटुआ ये कौन हमारे नवा दुख न हो, इस साल भर से ऐसे होते है कभो कभो जोर हो जाते नहीं फिर मजे मजे पिराए लगा। बिटुआ तू पढ़ाई जा, तू अपन जिंदगी जी खराब करा। माँ तुम खामखा जिद करती हो, मैं बोल दिया कि नहीं जाऊंगा, तू नहीं जाऊंगा नहीं जाऊंगा। तो का हमार कसम यार बिटुआ, तो का हमार कसम यार, तू पढ़ाई जा, तू अपन जिंदगी जी खराब करा बिटुआ जा। माँ जो भी बात होती है बड़े भैया को भी और मुझे भी तुम अपनी कसम देकर खामखा मजबूर कर देती हो माँ, मजबूर कर देती हो। क्या करी बिटुआ तू पढ़ाई जा बच्चा जा। ठीक है माँ जा बिटुआ, ये हमारा आशीर्वाद है, भगवान करे तू पास हो के लौटा बिटुआ जा। भैया राम बली। भैया माँ का ख्याल रखना, इसलिए तबीयत माँ की खराब रहती है, बड़े भैया काम में फंसे रहते हैं। भैया जाइए पढ़े ना, या पढ़ाई में आपका काज हो जाएगा, हम भैया रहेंगे माँ की सेवा करेंगे। भैया पहुँच जाए पढ़े जाए, पहुँचे चिट्ठी जरूर दिया। ठीक है भैया माँ का ख्याल रखना। हमारा राम राम लिख दिया चिट्ठी में। नहीं भैया जरूर लिखूंगा। जा भैया जा पढ़े जा जा। हे भगवान हे मालिक ये पीड़ा बर्दाश्त लाए हो, बल्कि तू मेरी जान ले ले तो बड़ी अच्छी बात है। बुला ले प्रभु, बुला ले मालिक अपने दरबार में। द्रौपदी पुकारी है हरे राम हो, द्रौपदी पुकारी है तुम्हें कुंजो बिहारी है, आ जाओ मेरे भगवान रोए अबला जोर से घूमता है जैसे हम भूई में गिर जाब, ये दाता गाड़ा वो नाबा नहीं करता ही रे। माँ बेटा खाना नहीं खाई थी ना, चक्कर आई हुआ। माँ क्यों नहीं खाई, क्यों नहीं खाई माँ? हमारे दोनों लड़के का पेट भरा रहा है, जाना हमार पेट भरा है बिटुआ। देखिए सभी माँ बाप चाहते हैं कि मेरे बच्चे भूखे प्यासे ना रहे माँ। हे बिटुआ करेजे में बड़ी जोर की पीड़ा हो कि जैसे हमार प्राण निकल जाए बिटुआ। नहीं माँ ऐसी बातें मत कर, तुम्हारे सिवा हम दोनों भाई की दुनिया में और कौन है माँ? श्री राम जा बोतल में पानी गरमा के धरे, यही
लिया हमें पटवा तई दौड़ा जे बिटुआ बोतलवा बेच जाए। अरे राम को राम तल बारा के लखे हा। हे बिटुआ हमार दुई बात, हमार दुई बात अपने ध्यान में रखा और कुछ नहीं बिटुआ। वो कौन सी बात है माँ? जहाँ तक हो सके बिटुआ। अरे राम हो अम्मा की बर्दाश्त नहीं है पीरा कहाँ जाऊँ। जहाँ जहाँ तक हो सके बिटुआ मोहन का डॉक्टरी जरूर पढ़ाया बिटुआ। ठीक है माँ मैं अपने छोटे भाई को डॉक्टरी पढ़ाऊंगा। माँ पढ़ाएगा ना? हाँ माँ। हाँ बिटुआ जब मोहन डॉक्टर बन जाए तो अपने गांव समाज के सेवा करी और अपन पेट पालन करी बिटुआ। दूसर बात का है बच्चा? क्या बात है? अपनी शादी से पहले मोहन के शादी कही जाए बिटुआ और कुछ नहीं बच्चा और कुछ नहीं। ठीक है माँ मैं अपने छोटे भाई को डॉक्टरी पढ़ाऊंगा और अपनी शादी से पहले मैं अपने छोटे भाई की शादी करूंगा। माँ करेगा ना? हाँ। हे बिटुआ प्यास बड़ी जोर की लाग पानी पानी पानी। आराम हो गया भैया? आराम हो गया। माँ अपने बच्चों को छोड़कर दुनिया से गई। माँ छोटा भाई मोहन कितनी दूर पर है मैं उसे कैसे बुलाऊं? माँ कि चलते समय आखिरी वक्त तुम्हारा दर्शन कर लेता मैया। राम भैया रोवा जिन का करबा भैया इतना दिन खातिर तुहार माई आई रहीन भाई। भैया मोहन कितनी दूर पर मैं अपने छोटे भाई को कैसे बुलाऊं कि अंतिम समय में इनका दर्शन कर लेता है। आज हम जैसे बदनसीब को छोड़कर गई माँ अब हम लोगों की दुनिया में कौन है? कहीं से मजूरी मेहनत करके आता था पहले माँ पेट पर ध्यान देती कि बेटा चलो जो कुछ सूखा रूखा है खा लो बेटा अब कौन गरीबी में हम लोगों को पूछेगा। भैया भैया ऐसे वक्त पर माँ गई कि आज घर में एक दाना नहीं है न एक पैसा है कि मैं इनका कफन दफन करूं। अगर मैं छोटे भाई को बुलाता हूँ तो उनकी पढ़ाई बर्बाद जाएगी। हाँ भैया साहब हल्के में हाथ खराब चली जाएगी। इधर माँ गई उधर मेरे भाई का जीवन बर्बाद जाएगा। आज ऐसे समय पर माँ गई कि एक पैसा नहीं है कि मैं इनका कफन दफन कर दूं। भैया हमारी सेवा बताइए भैया। केवल कफन भर के लिए हमें कर्ज के रूप में दे दो अगर 20 रुपए हो तो। क्या बताइए भैया हमारे ऊपर बड़ी मुसीबत आ है भाई 150 रोज रहते रहा जिको पैसा नहीं ना भैया बहुत मजबूर है हम भी बहुत बड़े बड़े यहाँ पर हमारे भाई लोग आए हैं हमारे दिल्ली गंगा कैशन वाले भी आए हैं हमारे संतु प्रधान पिया कांपा वाले हैं इन लोगों से अपनी मुसीबत सुनाइए। महबूब भाई भी मोहनगंज से आए हुए हैं अपनी मुसीबत सुनाए भैया 10 रुपया 5 रुपया जो भाई लोग दे देंगे तो अपनी माँ का क्रियाक्रम अंतिम संस्कार सब कर लेना भैया। मैं बाबू गंगा कैशन दिल्ली से जो आए हैं साहब से निवेदन करेंगे कि इस गरीबी में कुछ मदद कर दें और हमारे भाई लोग ऐसी गरीबी भगवान किसी को न दे जो कि मरने के बाद एक बीता का फंजी से न मिले। ये न मालूम कौन कर्म कमा ही मां ने की थी कि आज हमारे पास एक पैसा नहीं कि मैं इनका कफन दफन करूं मैं कहां जाऊं किसके दरवाजे पर किससे अपनी कह सुनाऊं मैं। माँ माँ आज तुम्हारा बेटा एक एक दाने एक एक पैसे को मोहताज है। और कफनवा बिना माई कफनवा बिना माई कफनवा बिना तोहरा दर से गीला लानवा कफनवा बिना माई ता।
तोरा लाला नवा कफनवा बिना माई तरतै तोरा लाला नवा। ऐसे समय पे माता गईलु कोई नहीं सहारा, ऐसे समय पे माता गईलु करने। गंगा काशी दिल्ली की तरफ से 501 रुपया गरीब परिवार को देखते हुए कफनदान में पुरस्कार दे रहे हैं। पार्टी स्वागत है गंगा काशी वाले का साहब का, धन्यवाद। माँ तुम्हारी तो बीत गई, अब तुम्हारे बच्चों का जीवन कैसे बीतेगा माँ? माँ और कैसे दीना बीती माई, कैसे दीना बीती माई, और जाता ना बताए जा कैसे दीना बीती माई। जाता ना बताए जा कैसे दिन बीती माई, यही पार गंगा माई वही पार जमुना, यही पार गंगा माई सारी बीती माई, जाता ना बताए जा नगरी